रखती थी भैया जी, बेना भी बना के बेचती थी और उनको भी रखती थी, मजा आ जाता था। यानी कि रोज 500-600 का दूध जाता था, लीको पिला। आप क्या करेंगी? तो सूप भी बनाती हूँ। हाँ जी भेजू, वो भी बनाती हूँ। सूप, बेना, सब कुछ बनाती हूँ। टोपरा जो होता भैया, टोपरा भी बनाती हूँ। तो दौरी बनाती, हाँ जी भैया, दौरी भी बनाती हूँ। और टोपरी, टोपरा सब बनाती हूँ। राधे राधे बड़े भैया जी। आज चाय नाश्ते में क्या लिए भैया जी? आपका नाश्ता हुआ या नहीं हुआ? कंडे, हाँ जी, कंडे बनते हैं, मैं बनाती हूँ। अगर आप बोलें तो मैं जी जी वीडियो भी कंडे बनाने की डाल सकती हूँ कि मैं कितना, और मैं कंडे घर में सबसे बड़े बनाती हूँ। मेरे मम्मी जी इतने इतने, सासूमा जी इतने इतने, लेकिन मेरे कंडे ना इतने बड़े होते हैं। मैं पूरा बहुत बड़े कंडे बनाती हूँ। बांस का बर्तन बनाती हो जी भैया जी? सब बना लेती हूँ। राधे राधे, राधे राधे मेरे बड़े भैया जी, राधे राधे। जुआ हो गया बड़ी भैया, बड़े भैया जी मेरी बड़ी दीजिए, ऑनलाइन जुआ मुझे दे दी, इतने बस में है मेरे जुआ। राधे 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 राधे। और मिट्टी के बर्तन, आप भैया जी मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किसी और को दे रखा है ना भगवान जी? सभी को एक ही काम सभी थोड़ा ना कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए काम और किसी को दिया है भगवान, तो मिट्टी का बर्तन मैं नहीं बनाती। जो मेरा काम है मैं वो काम करती हूँ भैया जी। राधे 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 भैया जी, राधे राधे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जीजू जी जय माता दी। जीजू जी फ्री वाला बेना आपको भी चाहिए, देखिए जब गर्मी लगे है ऐसे ऐसे मौ, बहुत अच्छा। हाँ जी भैया जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया जी। ये बचपन में मैं अभी स्टोरी ही बता देती हूँ भैया जी। जब मैं यानी कि नहीं आई बेटा, बचपन में भैया जी हम जब ननिहाल में थे तो हमारे उधर यानी कि वो होता था, भैंसे बहुत थी, 10-12 हमारे नाना जी भैंसे रखते थे, तो मजदूर रखते थे भैंसों को चराने के लिए। मैंने भी बनाया है। क्या जीजू जी बनाए हैं? तो बांस कौन काटता है? मैं खुद काट लेती हूँ भैया जी। तो पता है भैया जी, जब यानी कि मजदूर जाते थे भैंस चराने, तो फिर जी यानी कि मैं पढ़ने जाने से पहले बहुत डरती थी, सर जी मारते थे तो मैं बहुत डरती थी। तो मैं क्या करती थी, अपना ड्रेस ले पहन लेती थी और विदाउट ड्रेस अपने बैग में पैक कर लेती थी, और लंच भी ले लेती थी। और फिर अपने, हमारा दो घर था, एक यानी कि फरसा से, हाँ जी भैया जी, वो बांस काटने वाला हसिया आता है ना, उसको क्या पलाऊहा हसिया बोलते हैं। तो पता है ना भैया जी, फिर मैं अपने ड्रेस दूसरे घर जाती थी, तो वहां मैं जब मैं पढ़ती थी 5 में, 5 की बात बता रही हूँ भाई जी, मैं 5 में किसी, 5 तो मैं पढ़ी नहीं, 3 की बात, मैं 3 में किसी भी हालत में एडमिशन करवाने गई। साल भर में मैं 15-20 दिन स्कूल गई होंगी, नहीं गोल गोल गोल। पहले तो मैं घर से नहीं, मुझे पता है बचपन से ही स्वार्थी। अच्छा भैया जी, तो फिर मैं अपना बैग में ड्रेस उतार के पैक करके फोड़ करके रख देती, विदाउट ड्रेस पहन लेती, और फिर वो शकल से दिखता है। अच्छा भैया जी, तो फिर भैया जी मैं और बैग को पन्नी में पैक करती, और पन्नी में पैक करने के बाद भूसा वाले कमरे में बैग रखती थी ना, भूसा के अंदर छुपा देती थी कि पूरा नाम निशान मिट जाए, ये हो कि हाँ वो तो स्कूल चली गई, वो इधर कहाँ है। अब भाई मेरा पन्नी में बैग पैक है, और मैं लग जाती मजदूरों के साथ चली जाती, क्योंकि उधर गुल्ली डंडा खेलते थे भैया जी, और जो लोग होते थे लफिए का लफो डंडा, तो बस मैं निकल जाती थी। फिर वहीं क्या सारा दिन अपना लंच तो ले ही जाती थी, और पानी एक बॉटल, तो बस वहीं लफिए का लफो डंडा, गुल्ली चिल्ला का पेड़ होता था, नीम का पेड़ होता था,
उसी में मस्त जल्दी जल्दी एक दूसरे को जैसे जो छूने वाला था वो छूने चला गए, हम जल्दी से चढ़ गए, चिल्ला का पेड़ है, बेर का पेड़ है, नीम का पेड़ है, उसमें चढ़ गए। अब बैठे ऊपर से वो लपिए का लफो डंडा कर रहा है।